नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेशन बीत रहा है अभी तक और धीरे धीरे निफ्टी 23,000 की तरफ बढ़ रहा है। बट मेरे को लगता है कि एक्सपायरी तक 22,800 यही आपका हाई है, जो कल एक्सपायरी आपकी वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। इस बार थर्सडे बाजार बंद है, कल वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक साथ होगी। तो कल तक 22,800 ही एक लेवल है जो मेरे को लगता है वहीं तक मार्केट जाना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी दिक्कत आएगी, वहां से वापस से नीचे तरफ आ सकता है बाजार। लेकिन ऐसे में बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है एक इंफोसिस पे। क्या रिपोर्ट आई है, दमदार 18% की अपसाइड देख रहे हैं वो इंफोसिस के शेयर में, और इसी के चलते इंफोसिस का शेयर आज निफ्टी को लीड करने का काम कर रहा है। मैं तो आप सभी के साथ कंटिन्यू आईटी स्टॉक्स पे बुलिश हूं, मेरा एक ही व्यू है, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो रॉकेट, और खराब आ गए तो एक बार और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टॉक में अभी रिसेंटली जो गिरावट आई थी, उस गिरावट में आपसे क्लियर कट बोला था कि ये लेने का मौका है, यहां से 10% आप अगले 3 से 6 महीने में बना लोगे। 1650 रुपए का भाव आ रहा है, 1500 रुपए के भाव से 10% अगर मैं काउंट करूं तो 1650 रुपए होता है, जो कि इजिली अचीवेबल है। और कोई कौन दे रहा है आपको 10% 3 महीने 6 महीने में, कौन, कोई नहीं दे रहा। बैंक दे रही है आपको 6% साल का, वो भी तो बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी 1440-1460 रुपए पे, कि अगर ये 1600 रुपए भी हुआ तो आपका 10% सीधा सीधा खड़ा तय है। अभी बैंक ऑफ अमेरिका बहुत बुलिश है, क्या कह रहे हैं पूरी डिटेल आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले इंफोसिस 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है आज, और इंफोसिस पे जो रिपोर्ट है ये सब इसी की वजह से हो रहा है। इंफोसिस 1511 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 1513 का आज का हाई है। वॉल्यूम्स पे नजर डालूं तो अभी 11:06 का समय हो रहा है, बाजार खुले हुए 2 घंटे भी नहीं हुए, 45-46 ऑलमोस्ट 46 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं, 45.8 लाख शेयर्स का सौदा ऑलरेडी हो चुका है, जहां पे एवरेज वॉल्यूम में काउंट करूं तो 69 लाख शेयर्स का है। तो जो पूरे दिन में कारोबार होता है उसका 70-75% तो शुरुआती 2 घंटे में काम हो चुका है इस स्टॉक में। तो बड़े वॉल्यूम्स, अच्छी तेजी, पॉजिटिव रिपोर्ट, सेक्टर आउटलुक अच्छा आ रहा है, ये सारी चीजें आईटी को यहां से पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करने में मदद करेंगी। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि एसेंचर ने जो सब कहा उन सब में एसेंचर टूटा, पूरा आईटी भी टूटा, लेकिन अगर वर्ड्स ध्यान दें तो वो कह रहे हैं कि आईटी स्पेंड कम होगा, कम हो रहा है इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट हायर है। बट इंटरेस्ट रेट तो कट होने की बात चल रही है ना, तो फिर इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट होंगे वापस आईटी स्पेंड लौटेगा। तो मेरे को लगता है कि अब समय वो आ रहा है जहां आईटी स्पेंड लौटेगा कंपनियों का, ना कि वो समय आ रहा है कि अब खराब होगा। 2 साल से तो खराब ही है, अब अच्छा होगा। अब मैं बोफा की रिपोर्ट पढ़ता हूं आप सभी के लिए, जो क्लियर कट लिखा है, इंफोसिस इमर्जेस टॉप निफ्टी गेनर एस बोफा सीज 18% फर्दर अपसाइड। 18% की यहां से तेजी देख रहा है बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका। एनालिस्ट एट बोफा अपग्रेडेड द आईटी प्लेयर टू बाय फ्रॉम न्यूट्रल, तो रेटिंग भी अपग्रेड करी है, न्यूट्रल से बाय की रेटिंग पे कर दिया है। ऑल्सो रेज द टारगेट प्राइस टू ₹1785 फ्रॉम 1735, 1735 से लक्ष्य बढ़ाकर 1785 कर दिया है। अगर आपको बहुत दूर लगता है तो मैं बता दूं 1900 रुपए का जो 1900 रुपए का हाई दिखा चुका है इन्फोसिस 2021 में, तो तीसरी साल चल रही है जहां पर कोई रिटर्न नहीं बने है। और ये सब तो छोटी बात है, पूरा आईटी सेक्टर ही नहीं चला, अब पूरा आईटी चलेगा तो सोचो किस रफ्तार से भागेगा शेयर। तो मेरे को लगता है कि समय आएगा इनका, ओवरऑल है तो ये भी ब्लू चिप स्टॉक्स ही। इंफोसिस इमर्ज एज द टॉप निफ्टी गेनर ऑन April 9 मॉर्निंग विद द स्टॉक सर्जिंग मोर देन 2% टू ₹1509 आफ्टर द बोफा अपग्रेडेड द आईटी सर्विसेज प्लेयर टू बाय फ्रॉम न्यूट्रल। द ग्लोबल ब्रोकरेज Also raised the target price to ₹1785 from 1735, sitting attractive valuation implying over 18% upside from current levels. तो valuation terms में attractive लग रहा है, लगभग 25 के PE पे ट्रेड कर रहा है, जी हाँ। आगे बात करूं, the Infosys stock has declined 2% this year so far, underperforming the Nifty IT index, which too has been marginally negative the period. The stock hit 52-week high of 1735 on February 6. इस साल 52-week हाई लगाया है इन्होंने स्टॉक ने 1731 रुपए का, और अभी मैं इस साल की बात करूं तो 2% नेगेटिव है ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। मैं भी अपने चार्ट्स पे देख लेता हूं एक बार, 5% पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को तो अभी तक, मैंने एक साल देखा, ईयर टू डे देखेंगे अगर, हाँ जी 2.5% नेगेटिव है एग्जैक्टली, 1 जनवरी से अभी तक देखूं तो 2.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं।
फर्स्ट जनवरी को स्टॉक का भाव था 1550 रुपए का, जिसके बाद 1731 के हाई लगे 6 फरवरी को, और अभी स्टॉक में 1510 है। अब आप ध्यान से समझिए, क्लियर कट बाय इंडिकेशन है, उठाना है यहीं से उठाना है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को सुना ले लिया, अब मेरा रीजन सुनो। टेक्निकल चार्ट पैटर्न ईयर टू डे का ही खड़ा है यहाँ मेरे सामने। ईयर टू डे क्या होता है, फर्स्ट जनवरी से अभी तक, साल की शुरुआत से डे टू डे तक टेक्निकली देखूं तो स्टॉक में बेस क्रिएट हो गया, अब जंप कर रहा है। अब मेरे को एक स्टॉप लॉस मिल गया प्रीवियस लो का, जो है वो 1476 रुपये का है, 1476, जो कि होगा 24 ये और 10 ये 34 रुपये, 2% होता है। 34 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो उसे, तो पहला टारगेट 1554 का है, जो कि यहाँ से 44 रुपये का बनेगा। दूसरा 1600 और तीसरा 1650 रुपये का है। तो इन तीन लक्ष्य के लिए छोटे से स्टॉप लॉस से पोजिशनल इन्वेस्टर्स, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स या BTST इन्वेस्टर, BTST में टारगेट तो देखो नहीं आएगा, एक दो महीने लग सकते हैं, ये सारे उसे उठाएं। कोई ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेगा, कोई फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करेगा, प्योर कैश मार्केट के लिए बात करिए आपसे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।